हिसाब से कई इनमें ऐसे थे जिसमें आपको डेडिकेशन, हार्डवर्क, बचपन से ट्रेनिंग वो सब चाहिए थी. तो मुझे लगता है वो जो है जिन्होंने बचपन से ट्रेनिंग, मेहनत कर. आप और हम जब बचपन में शिनचैन, डोरेमोन और छोटा भीम देखने में मस्त थे, तब कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो अपने हुनर को तराशने में व्यस्त थे. इन्हें बचपन से पता था कि किस दिशा में काम करना है और कैसे अपने पैशन को फॉलो करते हुए सक्सेस की चोटी पर अपना परचम लहराना है. ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने हार्ड वर्क, फोकस और जुनूनी जज्बे से पूरे भारत को प्राउड फील कराया है. चलिए फिर आज आपका राबता इन सुपर चिल्ड्रन से कराते हैं जो किसी नकीने से कम नहीं है. इनके टैलेंट की रोशनी आज पूरी दुनिया को रोशन कर रही है. नंबर 10, तिलक मेहता. तिलक मेहता को भविष्य का अंबानी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आज इनकी गिनती भारत के सबसे यंग एंटरप्रेन्योर्स में होती है. 16 साल की उम्र में आज इनकी नेटवर्थ 100 करोड़ के करीब है. जहां आज आप और हम फ्री फायर जैसे डिजिटल गेम खेलने में मस्त है, तो वही तिलक मेहता एक डिजिटल कुरियर कंपनी के मालिक है जिसका नाम पेपर एंड पार्सल्स रखा गया है. स्टार्टअप्स के तौर पर इस कंपनी की शुरुआत उन्होंने जुलाई 2018 में की थी. इसका मकसद डोर टू डोर पार्सल पिकअप और डिलीवरी करने का था. दरअसल लॉजिस्टिक्स में पहले से ही दिलचस्पी होने के नाते मुंबई डब्बा वालास की मदद से इस वेंचर को उन्होंने शुरू किया और बस 2 सालों में इनके स्टार्टअप की ग्रोथ ने अच्छे अच्छों को हैरत में डाल दिया. ऐसी रिकॉर्ड तोड़ सक्सेस के दम पर 2020 में इन्हें ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड भी दिया गया. नंबर 9, लेसी प्रिया कंगुजाम. हमारी छोरिया छोरों से कम है के ये डायलॉग मुस्कुराती लेसी प्रिया पर परफेक्टली फिट बैठता है. उम्र के लिहाज से केवल 10 साल की है, लेकिन आज इन्हें भारत की ग्रेटा थनबर्ग कहकर बुलाया जाता है. अब ग्रेटा थनबर्ग इसलिए क्योंकि ये एंजल भारत की क्लाइमेट एक्टिविस्ट है. प्रकृति को बचाने और संवारने को लेकर ये इतनी समर्पित है कि इन्होंने एक सुकीफू 2 डिवाइस भी बनाया है जो सोलर एनर्जी की मदद से हवा को पानी में तब्दील कर देता है. केवल 6 साल की उम्र से ही वो एनवायरनमेंट को लेकर कई कैंपेन और प्रोटेस्ट का हिस्सा रही है. लेकिन ये लाइमलाइट में तब आई जब साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान क्लाइमेट चेंज को लेकर किए गए इनके काम पर पड़ा. इसके बाद इन्हें साल 2019 में ग्लोबल पीस इंडेक्स की तरफ से वर्ल्ड चिल्ड्रन पीस प्राइज से भी नवाजा गया. आज इन्हें यूएन की सबसे छोटी क्लाइमेट एक्टिविस्ट में गिना जाता है जो भारत में क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर काम कर रही है. नंबर 8, अद्वैत कुलारकर. ये भारत का नन्हा पेंटर है जो अपने हुनर से दुनिया को अलग रंग में रंग रहा है. कहने को इनकी उम्र 8 साल है, लेकिन पेंटिंग से इनका नाता 1 साल की उम्र से ही जुड़ गया था. इनकी कहानी बताती है कि 1 साल की उम्र में ही ये रंगों में इनकी अनोखी दिलचस्पी थी. जब ये 2 साल के हुए तो ये हर तरह के रंगों को पहचानने लगे. फिर कुछ साल में भारत से लेकर यूएस, कनाडा में भी इनके आर्ट एग्जीबिशंस होने लगे. इनकी कई पेंटिंग्स $2,000 में भी खरीदी गई. कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को कैनवास में उतारने की कला इनमें बखूबी है. कनाडा के कई सेंटर आज अद्वैत कुलारकर को कलब ब्लिजार्ड कहकर भी बुलाते हैं. नंबर 7, रितिक गुजराल. अपने नृत्य से भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने और उसे हर दिशा में फैलाने का काम रितिक गुजराल ने किया है. 15 साल की राइजिंग स्टार इंडियन क्लासिकल डांस के कई फॉर्म्स में कदम थिरकाती नजर आती है, लेकिन कथक नृत्य में इनकी पकड़ शानदार है. पैरों में घुंघरू बांधकर शास्त्रीय संगीत पर जब भी वृत्ति अपनी कला का जादू बिखेरती है तो लोग इनकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाते. ये इनके हुनर का ही जादू है कि 13 साल की उम्र में ही वृत्ति ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 अपने नाम कर चुकी है. भारत के कई राज्यों में परफॉर्म कर चुकी है और इनका लक्ष्य क्लासिकल डांस फॉर्म को ग्लोबल लेवल पर लोकप्रिय करने का है. नंबर 6, मास्टर तृप्तराज पांड्या. मास्टर तृप्तराज पांड्या भारत के सबसे युवा तबला वादक है जिन्हें इस हुनर के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में शामिल किया गया है. तबले के लिए इनकी मोहब्बत इतनी ज्यादा है कि महज 1.5 साल की उम्र से ही ये इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ खींचे चले गए थे. 2 साल के होने पर इन्होंने पहली बार मुंबई के सोमैया कॉलेज में पब्लिक परफॉर्मेंस दिखाकर सबका दिल जीत लिया था. फिर 3 साल की उम्र में इन्हें ऑल इंडिया रेडियो पर भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला. आज आलम यह है कि इन्हें अपनी कला में महारत हासिल है और अभी भी ये अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं. नंबर 5, पूजा बिश्नोई. एक छोटे गांव से अपना जुनूनी सफर शुरू करने वाली पूजा बिश्नोई आज भारत की जानी मानी एथलीट है. 11 साल की इस वंडर गर्ल ने अपने हुनर का जादू सबसे पहले 5 साल की उम्र में दिखाया था जब वो 6 पैक्स बनाने वाली एशिया की सबसे पहली बच्ची थी. इस सफलता के बाद 10 साल की उम्र में उन्होंने 3 किलोमीटर का सफर 12.5 मिनट में कवर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था.
आप ये कह सकते हैं कि नन्ही सी दिखने वाली ये राजकुमारी हमारे देश की सुपर गर्ल है, जो ट्रैक पर दौड़ते हुए कई बड़े खिलाड़ियों को टक्कर देती है। फिलहाल पूजा 2024 में होने वाले ओलंपिक चैंपियनशिप में जीत की तैयारी कर रही है। नंबर 4, कौटिल्या पंडित। मासूम चेहरा और कंप्यूटर से भी कौटिल्या पंडित को आज भारत का गूगल बॉय कहा जाता है। 130 IQ के साथ उनकी लोकप्रियता केवल तेज बुद्धि से ही नहीं बल्कि कौन बनेगा करोड़पति फेम से भी है, क्योंकि अपने हुनर के चलते अमिताभ बच्चन के लोकप्रिय शो पर भी नजर आ चुके हैं। दरअसल इनका टैलेंट है कि ये हर चीज को मेमोराइज कर लेते हैं। इसी का नतीजा है कि महज 5 साल की उम्र में पूरी ज्योग्राफी इन्हें याद थी। इसके अलावा मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जनरल नॉलेज, करंट इवेंट्स जैसे कई सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी कौटिल्या में कूट कूट कर भरी है। जहाँ 5 साल के बच्चे को ABCD याद करने में भी मुश्किल होती है, वही कौटिल्या पंडित पूरी किताब याद रख सकते हैं। आज कौटिल्या 14 साल के हैं और यकीन मानिए इनकी सुपर पावर अभी भी काम करती है। नंबर 3, अर्शदीप सिंह। तस्वीरों में जान डालने की कला फोटोग्राफर्स में कई साल की मेहनत के बाद आती है। 12 साल के अर्शदीप सिंह में ये कला पैदाइशी कूट कूट कर भरी है। 10 साल की उम्र में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनकर इन्होंने साबित किया है कि एज इज जस्ट अ नंबर। जलंधर के रहने वाले अर्शदीप की कहानी कुछ ऐसी है कि 5th बर्थडे पर उन्हें अपने पापा से तोहफे में कैमरा मिला था। बस तभी से तस्वीरों के लिए उनका प्यार बढ़ता चला गया और फिर पेट डॉग्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स की तस्वीरों को खींचते खींचते ये उनका पैशन बन गया। 2018 में इनके शानदार काम को देखते हुए इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर एशिया के अवार्ड से भी नवाजा गया। आज ये भारत के सबसे यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर में से एक है, जिनकी तस्वीरें जंगल की कई कहानियां बयां करती है। नंबर 2, लेडियन नादस्वरम। ये नाम शायद आपने पहली बार सुना हो, लेकिन जब भी भारत के यंग पियानिस्ट का जिक्र होता है तो इनका नाम अदब से लिया जाता है। चेन्नई से ताल्लुक रखने वाले लेडियन नादस्वरम बाकी बच्चों से खास है। अब खास इसलिए क्योंकि साल 2019 में इन्होंने CBS टैलेंट शो जीता था, जहां इन्होंने 250 बीट्स पर मिनट बजाकर जजेस को भी हैरत में डाल दिया था। अगर आप सोच रहे हैं कि एक बच्चे ने ऐसा कैसे कर लिया, तो बता दे कि लिडियन ने अपने बचपन के 4 साल AR रहमान की KM म्यूजिक कंजर्वेटरी में बिताए। साथ ही उनके पापा ने खुद इन्हें इस कला में नंबर 1 बनाया। आज लेडियन नादस्वरम एक सेलिब्रिटी है, जिनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, जहां ये अक्सर अपने हुनर का कमाल दिखाते हैं। नंबर 1, रमेश बाबू प्रगणनदा। शतरंज की बिसात के असल बादशाह ये राजकुमार है, जिसे दुनिया ग्रैंड मास्टर के नाम से जानती है। कहने को ये खिलाड़ी अभी केवल 16 साल का है, लेकिन चेस के सफर में इसने कई बड़ी बाजियां जीती है। 10 साल की उम्र में यंगेस्ट इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल अपने नाम करने से लेकर साल 2013 और 2015 में वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप जीतने तक रमेश बाबू ने भारत का नाम दुनिया भर में गर्व से ऊंचा किया है। हाल ही में इन्होंने दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को भी उनके खेल में पछाड़ दिया। इनकी जबरदस्त उपलब्धि के साथ आज रमेश बाबू की चेस रैंकिंग 2648 है और आगे भी अपने पैशन फॉलो करते हुए कई बड़े महारथियों को हराने का नंबर 1 को हरा दिया भाई। तो ये थे भारत के वो हुनरबाज बच्चे। 100 करोड़, 16 साल का लड़का 100 करोड़ का मालिक है यार। 100 करोड़16 साल में हम भाई क्या बोलो, हम कुछ करते हैं छोटा बच्चा देख लो यार। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।